შეხვედრი დიდი პატივისცემის მიუხედავად. ეშენს კოლეგას სელექტო ლაშკარავას კრძალავენ და ჩემი აზრით ამ ტრიბუნასთან არავის არ აქვს მორალური უფლება დღეს აქ იდგეს. და მე მინდა ჩემს კოლეგებს ვთხოვ რომ მოვიდნენ ახლა აქ და გამოხატონ თავიანთი პროტესტი. Operatorsas qoro moviden ak gaats nativebze kamerebi khondet katekashalot da mkhvidet da gvertit ro dagvetkets ये जो वीडियो अभी आपने देखा उसमें हो सकता है कि देख और सुनकर आपको कुछ न समझ आया। ये वीडियो जॉर्जिया का है जिसकी कुल आबादी लगभग 37 लाख है, जिसमें दिल्ली जैसे राज्य में लगभग 5 जॉर्जिया समा सकते हैं। लेकिन हिम्मत तो देखिए, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के प्रधानमंत्री इराकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। लेकिन अब आप पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं? तो ये मत जान लीजिएगा कि अन्य देशों के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को छोड़कर। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री तो सिर्फ और सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सच समाचार में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भारत के पत्रकार को, भारत के जर्नलिस्ट को इससे कुछ सबक लेनी चाहिए। अभी अभी कुछ दिन पहले ही पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की गई, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी निंदा की है। पिछले 23 वर्षों में अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग 1928 पत्रकारों की हत्या हुई है, उसमें से 74 पत्रकार सिर्फ भारत के हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 2048 पत्रकारों को कैद किया गया। 2020 से अब तक 64 पत्रकार लापता हैं। 2014 से 2020 के बीच 27 पत्रकार मारे गए हैं। 2009 से 2013 के बीच लगभग 22 पत्रकारों की हत्या हुई है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। विक्रम जोशी को सोमवार को बदमाशों ने गोली मारी थी। और अगर हम दी वायर के अनुसार देखें तो 5 सालों में लगभग पत्रकारों पर 200 से अधिक गंभीर हमले हुए हैं। जो हमारे देश के नामे गिरामी पत्रकार हैं उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। जॉर्जिया एक ऐसा देश है जहां के पत्रकार खुलकर वहां के प्रधानमंत्री का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को सरकारी अधिकारी ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस बात की FIR तक दर्ज नहीं की। और बड़ी बेशर्मी इससे क्या होगी कि जब सारे मीडिया कर्मी और गोदी मीडिया चुप बैठे रहे, आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आने वाला है। अब बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और वहाँ पर जो पत्रकार मौजूद थे वो पहले से ही अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ पर आए हुए थे। 5 जुलाई को एक LGBTQ की रैली में पत्रकार अलेक्जेंडर लश्कारेवा की मृत्यु हो गई। और जिस दिन जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसी दिन उस पत्रकार को दफनाया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री इराकली की प्रेस सचिव उनके आने की सूचना देने ही वाली थी और दे ही रही थी कि वहां पर एक पत्रकार अपने हाथों में एक पोस्टर लेकर आगे बढ़ने लगा और कहा कि हम पूरे सम्मान के साथ कहना चाहते हैं
कि पीएम इराकली हमें माफ कीजिए लेकिन आज हमारे साथी अलेक्जेंडर लश्करेवा को दफनाया जाएगा और मुझे लगता है कि आज किसी के पास इस मंच पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद उस पत्रकार ने अपने सभी रिपोर्टर साथियों को बुलाने के लिए उनसे अनुरोध किया और देखते ही देखते सभी पत्रकार उसके जो साथी थे वो आने लग गए और इतना ही नहीं उन्होंने कैमरामैन तक से अनुरोध किया कि वो भी वापस यहाँ पर हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाए। फिर एकाएक करके सभी पत्रकार उसका विरोध करने के लिए उस बात का विरोध करने के लिए हिस्सा लेने लग गए और हैरानी की बात तो ये है कि विरोध करने के लिए सबसे पहले पत्रकारों में 10 महिलाएं शामिल थी और जब पत्रकारों के लिए जगह छोटी पड़ने लग गई तो पत्रकार पीएम के पोडियम पर ही खड़े हो गए। जॉर्जिया के पत्रकारों ने कहा कि हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री इराकली को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए और पत्रकार लश्करेवा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इस सब के बावजूद पत्रकार ने उस पोस्टर को पोडियम के नीचे रखा जहां पे प्रधानमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले थे लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो वहां पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। भारतीय पत्रकारों को इससे कुछ सबक अवश्य लेना चाहिए। जॉर्जिया के पीएम इराकली की भी वही स्थिति है जो भारत में मोदी जी की है लेकिन क्या इसके बावजूद भारतीय पत्रकारों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सत्ता से सवाल कर सके? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सत्ता का गलत जगह पर विरोध कर सके? क्या भारतीय पत्रकारों को अपने किसी साथी की हत्या, अपने किसी साथी की पिटाई या उसके कैद होने के लिए सत्ता का विरोध कर सकते हैं? प्रश्न का उत्तर इसलिए जरूरी है क्योंकि जॉर्जिया के पत्रकारों की तस्वीर अभी भी भारतीय पत्रकारों को चुनौती दे रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे ट्विटर हैंडल पर @ गिरी सुनीति के नाम से फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।